हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए, मॉर्निंग का खाना मेरा बन चुका था सुबह का, और इतना गर्मी हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था। तो मैंने क्या किया ना कि अभी शाम की भी तैयारी शुरू कर दी है मैंने। अभी 10 बज रहे होंगे, और ये दाल देखिए, मैंने सुबह में जब मैं उठी थी ना, पाँच बजे के पहले ही उठ जाती हूँ, तो पहले मैंने दाल को भिगो दिया था। तो अभी ये देखिए फूल गया है, जितना इसको फूलना था फूल गया। फिर उसके बाद मैंने इसमें ना तेल डाल के सूखी मिर्च और हींग जीरे से तड़का दिया है, और हल्दी और नमक डाल दिया है, और दाल को पहले ही डाल दिया है। और इसे ना ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ऐसे ही थोड़ा सा चला के इसमें पानी डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने पानी रख लिया है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, एक हाथ से काम कर रही हूँ, इसीलिए इस तरह। फिर उसके बाद मैंने इसका सीटी लगा दिया था, और ये सीटी लगने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हुआ है। तो ये पूरा ना इसमें हलवा के जैसा हो गया है, और इसको ना ये पीसने का झमेला नहीं है, तो मैंने ऐसे ही गला दिया इसको, मतलब सीटी से ही गला दिया। तो इसे खाली करके फिर कुकर को मैंने अच्छे से धो के फिर इसमें आलू चढ़ा दिया है, कि मैंने सोचा कि आलू की सब्ज़ी भी बन जाएगी, और दाल तो मेरा हो ही चुका है, और ये बहुत अच्छे से गल चुका था, तो आलू भी बॉयल हो चुके थे, तो मैंने इसे छील लिया है और काट लिया है, और कढ़ाई को चढ़ा दिया है। और कढ़ाई में ना ये आलू को दो पीस कट कर लिए हैं, और इसमें फ्राई करके निकाल के इसमें इस कढ़ाई में फिर से तेल डाल के हींग और तेजपत्ता की का तड़का दे दिया है, और जितना मसाला वगैरह जो भी होता ना वो सभी मैं पीस के रख चुकी हूँ। और ये प्याज को कट करके रखा है, तो प्याज को पहले अच्छे से फ्राई होने देती हूँ। और ये ना जो कल मेरा मसाला बचा था, बैंगन की जो सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने, भरवा बैंगन, तो बस उसी का मसाला बचा हुआ था, तो वो उसमें मैंने डाल दिया है कि वेस्ट होगा, तो इसीलिए। और इसमें ना ये मसाला पड़ता भी है, तो चलिए मैंने ऊपर से डाल दिया। और ये सुबह की सब्ज़ी बना दिखा रही हूँ, कि अभी हमने खाना वगैरह नहीं खाया था, खाली बना के रख दिया था, और शाम की तैयारी भी शुरू कर दी मैंने। तो यहाँ में मेरा प्याज है ना अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसमें मैंने एक टमाटर और जितने मसाले होते हैं ना, अदरक लहसुन का पेस्ट और जितने मसाले पीसे हुए, मतलब खड़े मसाले जो पिसा हुआ होता है, हमारा तो मार्केट से आता वही जो पैकेट में आते हैं ना, वही मसाला मैंने एक एक चम्मच सब स्वाद के अनुसार ले लिया था। और उसमें पानी डाल के मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें आलू भी डाल दिया है, क्योंकि ये कढ़ाई मेरी छोटी सी है, और इसमें ना मतलब आलू जल्दी से हो जाएगी, क्योंकि मैंने उबाला भी है, फ्राई भी किया है, तो ये फटाफट से हो जाएगा। तो मैंने मसाले को अच्छे से भून के फिर इसमें पानी डाल दिया है, और ग्रेवी मुझे रखना नहीं है, क्योंकि ये आलू थोड़े से हार्ड है अभी, कड़े हैं मतलब, तो ये थोड़ा सा नरम हो जाए और पानी पूरा सूख जाएगा। और इसके बाद मैंने यहाँ, अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो खाना वगैरह हमारा हो चुका था सुबह का, तो ये भी शाम के टाइम मैंने चावल भिगो दिए हैं, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स काट के रख दिए हैं, और चाय भी चढ़ा दिया है, और मैदा भी लगा दिया है। तो शाम के टाइम हो रहा है, तो अभी मैंने देखिए ये दूध का थोड़ा मैंने चाय बना लिया, और बाकी जो इसी में दूध जो था ना उसका मैंने खीर बना, मैंने सोचा खीर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल को भिगो के पहले ही रख दिया था, और ये केसर है, तो ये केसर भी मैंने आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ना इलायची को मैंने कूट के डाल दिया है चावल के साथ, और अभी ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, पहले मैं चीनी डाल देती हूँ, चीनी गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो चावल भी उसके साथ गल जाएंगे, आधा से ज़्यादा पक चुका है चावल, उसके बाद मैंने चीनी ऐड किया है, और ये अब ना मतलब ऑलमोस्ट होने ही वाला है, तो चीनी मुझे जितना ऐड करना था मैंने ऐड कर दिया है, और ड्राई फ्रूट्स काट के मैंने रखा हुआ है, तो वो भी अभी मैं ऐड कर दूंगी इसमें हल्का। तो ये देखिए मैंने ये डाल दिया है, और ये देखिए मैंने अच्छे से ये भी डाल दिया, चीनी अभी घुली नहीं है, थोड़ा सा कसर बाकी है, तो ये ना आस्ते आस्ते हो जाएगी। और अभी मैं इसमें केसर डाल देती हूँ, केसर के धागे होते हैं ना, तो ये ज़्यादा नहीं डालना है, दो इसका दो चार ही धागा डालने से ना ये पूरा कलर अच्छा से आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने धागे डाल दिए हैं, तो ये भी इसका कलर देखिएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मेरा खीर भी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा कसर और बाकी था। और यहाँ पे ना मैंने मैदा लगा के रखा हुआ था, और ये मसाले को ना जो मेरा पूरा मिक्स कर लूँगी, इसी में मिक्स कर लूँगी, क्योंकि वेस्ट नहीं कर सकती, और इसमें ना बहुत अच्छा ये टेस्ट आता है, भुनी हुई जो जीरा और खड़ा धनिया का और सूखी मिर्च को भून के बनाया हुआ मसाला था, तो इसीलिए मैंने सोचा इधर उधर होगा इसी में डाल देती हूँ। फिर मैदा को
मैदा और आटा मैंने लगा लिया था, तो ये इसको ना पहले मैं अच्छे से, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था लगाए, और अभी ना इसको थोड़ा सा और मसल देती हूँ ताकि ये सूखे ना, इसलिए प्लास्टिक से मैंने ढक दिया था क्योंकि इतने ज़्यादा गर्मी है ना, गर्मी से पपड़ी बन जाती है इसकी, और तेल लगा के प्लास्टिक से ढक दो ना तो मतलब वैसे का वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे मैं लोइया स्टार्ट कर दिया मैंने बनाना, और इसका ना छोटा जैसे पूड़ियाँ बनती है ना उसी हिसाब का मैं लोई बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पूड़ी नहीं तलना है, पराठे जैसा ही बनाना है, तवा का जो पूड़ी होता है ना वो बनाना है। तो इसको पहले मैं पूरा आटा का ना पहले लोई बना के रख देती हूँ इस तरह, और ये फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि वो पंखा भी चल रहा है तो ये सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लोइया, पहले मैंने सोचा इतना लोई को मैं भर लेती हूँ, बाद में वो अगर वो सूख जाएगा ना तो उसे फिर ठीक कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने लोई बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो भरना तो ये चम्मच से थोड़ा थोड़ा लेके भर देती हूँ, तो ये ना मतलब अच्छा रहता है। अगर साथ साथ में बनाओ ना तो टाइम लगता है, मतलब एक तरफ भरेंगे एक तरफ बेलेंगे, और सेकना भी मुझे ही है। तो पहले मैं क्या करती हूँ ना, इसका अच्छे से इसमें पैक कर दूँगी दाल को, दाल का जो मसाला है तैयार करके रखा है। तो यहाँ पे मैंने पूरा मतलब भर दिया था, और यहाँ पे मैं आ गई थी अपना बनाने के लिए, तो तावा मैंने चढ़ा दिया है, और अभी टाइम भी हो चुका है खाना का, 8 बज रहे हैं। इतना गर्मी हो रहा था ना कि क्या ही बताऊँ, पसीना से मेरा मुँह ना एकदम लाल लाल हो गया था पूरा, सारा दिन पोसते पोसते। तो यहाँ पे मैंने जितना लोई भरा था ना तो वो सब मैंने यहाँ रख दिया है, और यहाँ पे मैंने अपना पराठा सेकना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा पराठा हो गया है, बस 2-3 ही बचे हैं, तो एक सीख रहा है, 3 और बचे हैं, बस ये फटाफट से सीख जाए। तो अभी मेरा टाइम हो गया है 8:30-9 बज रहे होंगे अभी, और चेहरा पे इतना मतलब आज मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, और अभी मैंने सोचा कि पहले बना लेती हूँ तभी एक ही बार जाके चेंज वगैरह करूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा पराठा देखिए सारा बन चुका था, तब मैं अपना चेंज वगैरह करके आ गई थी, गर्मी के वजह से मेरा बुरा हाल था। फिर उसके बाद मैं सभी को खाना निकालना स्टार्ट कर दिया था, तो अभी 9 से ऊपर ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ पे सभी के लिए मैंने खीर निकाल दिया है, और सब्जी और पूड़ी, आप लोग भी आ जाइए और दाल पूड़ी और आलू की सब्जी इंजॉय करिए हमारे साथ। तो मैंने सबको दे दिया है, और उसके बाद हम लोग भी अपना खा लेंगे।